إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. आपके सामने एक आयत मुबारका सूरतुल बकरा से तिलावत की गई है और आपने आयत मुबारका कई बार सुनी होगी। यह आयत मुबारका रमजान के रोज़ों के मुताल्लिक है। जैसे कि हम पिछली गुज़िश्ता अपनी कुछ क्लासेस से इस्लाम के अरकान पढ़ रहे थे और हम शहादत, उसके बाद सलाह, उसके बाद ज़कात, उसके बाद चौथा है सौम रमज़ान, जो रमज़ान के रोज़े हैं। रमज़ान के रोज़ों की फर्जियत की दलालत इस आयत मुबारका में है। अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हे लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़ों को फ़र्ज कर दिया गया है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज कर दिया गया था। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तकवा अख्तियार करो। तो इस आयत मुबारका से हमें पता चला, अच्छा इसमें एक तो जो फेल यूज़ हुआ है ना कुतिबा, उसको आपने नोट कर लेना है। तुम पर रोज़ों को फ़र्ज कर दिया गया है। फ़र्ज किसने किया है? अल्लाह ताला ने किया है। इस आयत मुबारका में फ़ाइल मज़कूर नहीं है। कुतिबा अलैकुम, तुम पर फ़र्ज कर दिया गया है। फ़र्ज करने वाला अल्लाह ताला है, फ़ाइल। और इस आयत मुबारका में वो ज़ाहिर उसका जो है फ़ाइल को नहीं लाया गया। और आपको पता है, हमने पिछली क्लास के आखिर में पढ़ा था कि अगर फ़ाइल मज़कूर ना हो, उसका ज़िक्र ना हो, तो फिर वो मजहूल होता है, पैसिव होता है। अल्लाह ताला ने तुम पर रोज़ों को फ़र्ज किया, तुम पर रोज़ों को फ़र्ज कर दिया गया, फ़ाइल मज़कूर नहीं, तो ये पैसिव है, ये मजहूल है। तो इंशाल्लाह इसको आज हम अपनी क्लास में देखेंगे। रोज़ों की फ़र्जियत उस हम पर जिस तरह है, उस तरह पहले की कौमों पर भी थी। तो इससे ज़ाहिर होता है कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो तमाम उम्मतों में रहा है। अल्लाह ताला को बहुत पसंदीदा इबादत है रोज़ा रखना। और इससे ज़ाहिर होता है कि जो हमारी हम जो उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह है, उस पर जो दीन है, जो दीन के अहकाम हैं, उनको मुकम्मल तौर पे पूरा कर दिया और रोज़ा उसका एक हिस्सा है। इस आयत मुबारका में हमें यह भी पता चलता है कि रोज़े रखने का हुक्म जो है उसका मकसद क्या है। इसी आयत मुबारका में लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा अख्तियार करो। जब इंसान रोज़े की हालत में होता है, रोज़ा रखता है, तो जो हलाल चीज़ है उससे भी रुक जाता है। ऐसा ही है, जो खाना है, खाने की चीज़ें तैयब पाक हलाल हम लोग पूरा साल खाते हैं, लेकिन रमज़ान में जब रोज़ा रख लेते हैं तो हलाल चीज़ से भी रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। तो रोज़ा प्रैक्टिस है। रोज़ा क्या है? प्रैक्टिस। पूरा साल उन चीज़ों से रुकने की जो हराम है। रोज़े में इंसान हलाल से भी रुक जाता है, अल्लाह का हुक्म, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तक़वा अख्तियार करो, ताकि तुम्हें पूरा साल जो हराम काम है उनसे बचने की प्रैक्टिस हो सके। हराम खाना, झूठ बोलना, धोखा देना, ये सब हराम है ना, इन सब से रुकना है पूरा साल। ये इस चीज़ की ट्रेनिंग है रोज़ा।
जैसे कि हदीस मुबारक में आया है, हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने झूठ बोलना और उसके मुताबिक अमल करना तर्क ना किया तो अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना तर्क कर दे। खाना पीना तो रोक दिया है, रोज़ा रख लिया है, झूठ वैसे ही जारी है, धोखा वैसे ही जारी है, सब चीज़ें जो हराम हैं वो वैसे ही जारी हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस रोज़े का। क्योंकि रोज़े का मकसद क्या था? असल खाने पीने से रुकना था। रोज़े का मकसद क्या था? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तक्वा अख्तियार करो, ताकि तुम ये जब हलाल चीज़ों से रुक सकते हो अल्लाह के हुक्म की, कि अल्लाह का हुक्म है रोज़े में खाना नहीं है पीना नहीं है, रुक गए तो हराम चीज़ों से क्यों नहीं रुकते, ये मकसद। एक और हदीस मुबारक है, रोज़ों की फजीलत बहुत ज़्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाता है कि इंसान का हर नेक अमल खुद उसी के लिए है मगर रोज़ा कि वो ख़ास मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा, और रोज़ा गुनाहों की एक ढाल है, अगर कोई रोज़े से हो तो इसे फहशगोई ना करनी चाहिए और ना शोर मचाए, अगर कोई शख्स इसको गाली दे या लड़ना चाहे तो इसका जवाब सिर्फ ये हो कि मैं एक रोज़ेदार आदमी हूँ, यानी उसको जवाब भी ना दे, बस ये कहे, क्या कहे, अना साइम, मैं रोज़ेदार हूँ। इज़्ज़त की कसम जिसके हाथ में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा बेहतर है। रोज़ेदार को दो खुशियाँ हासिल होंगी, एक तो जब वो इफ्तार करता है तो वो खुश होता है, होते नहीं होते, होते ना इफ्तार की खुशी होती है, और दूसरी जो असल खुशी है तो और दूसरी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो अपने रोज़े का सवाब पाकर खुश होगा। अल्लाह ताला का फरमान है, हदीस मुबारक में हमने जो पढ़ा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ेदार का जो अजर है वो मैं खुद दूँगा, बहुत फजीलत वाली इबादत है रोज़ा। फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ है, जो नवाफिल रोज़े हैं उनका भी अहतमाम करना चाहिए क्योंकि उसकी भी बहुत फजीलत आई है। फ़र्ज़ तो छोड़ ही नहीं सकते, छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। जो नवाफिल रोज़े जो सुन्नत रोज़े हैं वो भी इंसान को रखने चाहिए। कौन कौन से? आशूरा का है 10 मुहर्रम का, और 9 या 11 के साथ मिला के रखना चाहिए। ज़िलहज्जा 9 ज़िलहज्जा का, जो हज पे नहीं जाता उसके लिए वो रोज़ा रखना चाहिए, उसकी भी फजीलत है। और हर महीने 13, 14, 15 यामुल बीद जिनको कहा जाता है, आज 13 तारीख सही जी, 13, 14, 15 13 है आज, और उसके अलावा जो हर हफ्ते 13-13 है, और हर हफ्ते पीर और जुमेरात को रखना। इतने इंसान नहीं भी रख सकता तो कुछ तो रख सकता है, ज़रूरी नहीं है सारे रखे, लेकिन कुछ तो इंसान को रखने चाहिए क्योंकि फजीलत रोज़े की बहुत ज़्यादा है, अल्लाह ताला को बहुत पसंदीदा इबादत है। ये 14 रुकन है इस्लाम का। अगली क्लास में इंशाल्लाह 5वां रुकन हज जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज जो आपने आया मुबारक पढ़ी, ये 9 ज़िलहिज्जा का जो बोला गया है जी, वो अभी तारीख अलग होती है इंडिया में और इधर जी जी, तो 9 काउंट होगा या यौमे अरफा? असल में देखिए ये तो वैसे एक स्कॉलर के लिए सवाल है, जो आप स्कॉलर से पूछें तो बेहतर है। असल में देखें वैसे जो रोज़े हैं तमाम वो तारीख के, सही है, रोज़े जो हैं वो तमाम तारीख होंगे। जैसे रमादान का रोज़ा है वो पहली रमादान से शुरू होता है, तो जिस एरिया में पहली रमादान जब शुरू होगी तब रोज़ा होगा। सिर्फ जो हज का रोज़ा है ना इसमें इसमें जो हुआ है वो यौम अरफा का है, सही है, इस वजह से। और यौम अरफा जो है वो 9 ज़िलहज को होता है, तो इसमें जो अक़वाल हैं वो दोनों हैं कि कहते हैं कि यौम अरफा तो यहीं पे होता है जो हज होता है तो उस दिन का रखना चाहिए, लेकिन चूँकि यौम अरफा 9 ज़िलहज्जा का होता है तो दूसरे एरिया में जब 9 ज़िलहज्जा होगी तो रखना चाहिए। मैं अगर ख़ुद सऊदी अरब के अलावा दूसरी जगह पे हूँ जहाँ 9 ज़िलहज मुख्तलिफ हो तो मैं दोनों दिन का रख लेता हूँ, मैं रख लेता, मतलब मैं अपना आपको फेल बता, मैं ये नहीं बोल रहा ये मेरा ओपिनियन है या ये कोई शरई जो है वो नहीं, क्लियर है। आप किसी आलिम से पूछें वो ज़्यादातर उजमा जो है कहते हैं हम 9 ज़िलहज्जा का ही रखें, जो 9 ज़िलहज्जा है ना उसी का रोज़ा रखें,
सही है, लेकिन मैं एहतियातन, और वैसे ही आपको पता ही है जो दिलहज है उसके पहले दिन जो 9 दिन है, 10वें दिन तो ईद है, उस दिन तो रोज़ा नहीं होगा, जो पहले 9 दिन है उस दिन, उसमें तो रोज़ों की फजीलत, उस उन 9 दिनों में जो अमल है वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा है पूरे साल के मुकाबले में, उस शख्स से भी ज़्यादा जो जिहाद पे जाए। पता है आपको ये? पहले 9 दिलहज के जो दिन हैं उस दिनों में, दिनों की बात हो रही है, रात जो अफजल है वो आखिरी अशर रमज़ान का है, जो दिन है उनकी इबादत अफजल तरीन है 9 दिन जो है ज़िलहज के। एक सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह क्या ऐसा शख्स भी जो जिहाद के लिए जाए, अपना जान और माल लेकर जिहाद के लिए जाए, तो आप सबने फरमाया हाँ, उन 9 ज़िलहज का अमल उस शख्स से भी बेहतर होगा जो जिहाद पर जाए, अलावा इसके जो अपना माल और जान लेके आए और वापस कुछ ना लेके लौटे, यानी शहीद हो जाए, तो वो तो टॉप पे चला गया। लेकिन अगर कोई जिहाद करता है और शहीद नहीं होता, तो उससे अमल से बेहतर है 9 ज़िलहज में जो अमल करते हैं। और दिन में इंसान मुसलसल इबादत जो कर सकता है, सबसे बेहतरीन अमल वो कौन सी है? रोज़ा। तो 9 जो दिन है उसमें तो कसरत के साथ रोज़ा रखना चाहिए इंसान, चाहे तो 9 दिन रखे, बीच में 1-2 दिन रह जाए तो कोई बात नहीं। तो जब उन 9 दिनों में इतने ज़्यादा रोज़े रखने हैं, सही है जी, तो 9 ज़िलहज का भी रख लीजिए, आराफा का भी रख लीजिए, रख ही रहे ना सब रोज़े, वाज़े वल्लाह बात। और यहाँ पे आप देखें ज़िलहज के जो शुरू के दिन है उसमें रोज़े कसरत के साथ लोग रखते हैं सऊदी अरब में, आप देखें मस्जिदों में अफ्तार से आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि इन दिनों में रोज़ अफ्तार होती है रमज़ान की तरह, शवाल के 6 भी, लेकिन शवाल के 6 कभी भी रख सकते हैं ना, वो तो कभी भी रख सकते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि शुरू में ही रखें, और ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही रखें, ये भी ज़रूरी नहीं है, हम उस महीने में रख सकते हैं, तो वो आपको एक साथ नज़र नहीं आते कि सबका एक साथ है, कोई किसी दिन रखेगा कोई किसी दिन रखेगा, ऐसे ही ज़्यादातर लोग तो शुरू में ही रख लेते हैं, क्योंकि रमज़ान का एक जो है वो आदत चल रही होती है, तो कोशिश करते हैं कि शुरू में ही रखते हैं। पूरे साल के रोज़ों का अजर मिलता है जो रमज़ान के बाद 6 शवाल के रोज़े रखता है। हाँ जी माशाल्लाह, आपने ये भी बताया शवाल के 6 रोज़े जो हैं ये भी मसनून हैं, और अजर क्या है जो रमज़ान के 30 रोज़े रखे और शवाल के 6 रोज़े रखे, उसको पूरे साल के रोज़ों का सवाब मिलता है। عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذ جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم کا فرمان جب رمضان آ جاتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صحیح، اب آپ نے ترجمے پہ غور کرنا ہے، जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बुखारी की हदीस है और एक और हदीस मुबारका है ये बुखारी में, इदा दखला रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नत, इसके अल्फाज तो तकरीबन पहली हदीस के जैसे है, वगुल्लिकत अबवाबु जहन्नम, अभी आगे, और जहन्नम के जो दरवाजे हैं उनको बंद कर दिया जाता है, وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ, और शैतानों को कैद कर दिया। तो ये किस महीने में होता है? यह रमज़ान। अब अगर आप पहले हदीस मुबारका जो आपने पढ़ी उसके अल्फाज पे गौर करें, इदा जा रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्ना, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। देखें जन्नत के दरवाजे जो खोले जाते हैं, कौन खोलता है, किसके हुक्म से खोले जाते हैं? इस हदीस मुबारका में जो फाइल है मज़कूर नहीं है, फुतिहत अबवाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, सही, फाइल मज़कूर नहीं है। और पिछली क्लास के आखिर में हमने पढ़ना शुरू किया था कि कभी ऐसा भी होता है कि फाइल मज़कूर नहीं, उसकी वजूहत कई होने पड़ी थी। एक वजह पड़ी थी जो कि हदीस मुबारका में, कि फाइल इतना जाहिर होता है कि उसके
जिक्र करने की जरूरत नहीं होती जैसे यहाँ पर। इसी तरह जो अभी हमने आयत मुबारक पढ़ी सूरतुल मुबारक सूरतुल बकरा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजों को फर्ज कर दिया गया है। अब यहाँ भी फाइल जो है वो इतना जाहिर है, फर्ज किसने किया है? अल्लाह ने किया है, कि उसका जिक्र इस आयत मुबारक में किया गया। तो जिस जुमले में फाइल का जिक्र ना किया जाए जुमले फेलिया में, उसको हम फेले मजबूल पैसिव कहते हैं। इंग्लिश में पैसिव पढ़ते ना, एक्टिव पैसिव। तो जो पैसिव है वो कहलाता है फेले मजबूल। तो आज हम इंशाल्लाह फेले मजबूल को पढ़ेंगे। और हमने कुछ वजूहत पढ़ी थी फाइल को जिक्र ना करने, क्या क्या थी? एक तो फाइल इतना जाहिर हो कि जिक्र करने की जरूरत ना हो, दूसरा फाइल का पता ही ना हो हमें, ठीक है, तो भी ऐसा होता है, तीसरा हम फाइल का जिक्र ना करना चाहें जानबूझकर, तो भी ऐसा होता है। उस दिन हमने कुछ मिसालें लिखी थी, क्या मिसालें लिखी थी? उर्दू में हमने क्या कहा था? जैद ने हामिद की मदद की, ठीक है। इंग्लिश में हमने क्या लिखा था? जैद ऐसे एक्टिव है। अरबी तो आपको आती है, क्या बनाई थी अरबी आपने इसकी? नसरा ज़ैदुन हामिद। फाइल कौन है? कैसे पता चल रहा है जैद फाइल है? रफा से। और हामिद मफूल कैसे पता चल रहा है? नसब से। तो ये जो एक्टिव है ना, एक्टिव वॉइस, इसको हमने अरबी में क्या कहा था, क्या कहते हैं? मजबूर तो वैसे बनेगा, क्या कहलाता है? मारूफ, फेल मारूफ। तो आपको पता है कि चला था कि अब तक आपने जितने फेल जुमला फेलिया बनाए सब के सब मारूफ थे, सही? हमने मारूफ पढ़ा नहीं था क्योंकि उसके मुकाबले में मजहूल है, तो मजहूल जब आया नहीं था तो हमें मारूफ पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी कि इसको कहते क्या है। तो आज हमें पता चला अच्छा ये फेल मारूफ था। मारूफ क्यों था? इसमें जो फाइल है वो उसका जिक्र है, जाहिर नहीं बोले, जमीर भी हो सकता है, वो जाहिर जमीर वाला टॉपिक अलग है, सही है। हम ये भी तो कह सकते हैं नसरा हामिदन, उसने जैद की मदद की, कह सकते हैं। तो मारूफ होगा मजहूल होगा? मारूफ होगा, जमीर का जिक्र है ना, उसने मदद की, ठीक है। तो मारूफ यानी इसमें जो फाइल है मजकूर है, उसका जिक्र मौजूद है, इसलिए इसको मारूफ कहा जाता है, जाना पहचाना फाइल, जाना पहचाना। फिर आपके सामने मजहूल लाया गया उर्दू का, बहुत आसान है, क्या था? हामिद की मदद की, हामिद की मदद की गई, सही। और इंग्लिश में भी आपको बताइए क्या था? हामिद वाज हेल्प। यहां पे आके हम रुक गए थे, सही है, ठीक है। अब अरबी में मजहूल कैसे बनेगा? बहुत आसान है, सही। अगर आपको इंग्लिश में समझ आ गया है ना पैसिव कैसे बनता है, तो अरबी में बिल्कुल वैसे ही बनता है। देखेंगे, ये एक्टिव है, ये पैसिव है, ऐसे ही। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपने जुमले में दो तब्दीलियां की, कितनी तो क्या तब्दीलियां की कोई बता सकता है? मफूल तो अरबी में होता है ना, इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं, और इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और ये क्या है? ये वर्ब है, ऐसे ही, ठीक है। तो जब आपने इंग्लिश में एक्टिव से पैसिव बनाया है तो दो चेंजेस किए हैं, एक आपने ये किया है, सुन, आपने किया है कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट का स्टेटस दे दिया है, ऐसे किया,
यानी ऑब्जेक्ट जो था हामिद यानी वो था, उसको आपने जो सब्जेक्ट की जगह है वो दे दी। क्या इस ऑब्जेक्ट को जो आपने सब्जेक्ट की जगह दी, इससे क्या ये सब्जेक्ट बन गया? नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं बना। ये बात नोट कर लें आप। क्या ये सब्जेक्ट बन गया? नहीं, सब्जेक्ट नहीं है, है ये ऑब्जेक्ट ही, लेकिन इसको सब्जेक्ट का स्टेटस मिल गया, उसकी पोजीशन मिल गई। क्या मिल गया इसको? सब्जेक्ट का स्टेटस मिल गया, उसकी पोजीशन मिल गई। और इंग्लिश में आपको पता है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का पता जगह से चलता है, जो पहले आता है सब्जेक्ट होता है, जो बाद में आता है ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा जरा मुझे बताइए, अरबी जो है उसमें स्टेटस को क्या कहते हैं? एराब कहते हैं। सही है, आपने बोला ना, ठीक है। अब इसको याद रखिए, अरबी में स्टेटस को क्या बोलते हैं? तो इस अभी हमने इंग्लिश में क्या किया, एडजेक्टिव से पैसे बनाया, दो चेंजेस किए। पहला चेंज ये किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्टेटस दे दिया, उसकी जगह दे दी। सही, ये देखें, ये ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू में ऐसा ही। दूसरा काम आपने किया, वर्ब की फॉर्म को चेंज कर दिया। सही है, वर्ब की फॉर्म को चेंज कर दिया। तो वर्ब की फॉर्म को आपने चेंज कर दिया तो पैसे बन गया। तो दो चीजें क्या क्या की जरा लिख लीजिए। नंबर वन बताइए क्या किया पहला? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह दे दी। टू गिव ऑब्जेक्ट स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट, ऐसे ही। और दूसरा क्या किया? टू चेंज फॉर्म ऑफ द वर्ब। उर्दू में अगर हम लिखें तो हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह दे दी और वर्ब की फॉर्म बदल दी। ऐसे ही अरबी में भी बस यही कहना है, ये दो चीजें करते मजहूल बन जाएगा। आइए जरा ये जुमला है मारूफ, नसरा ज़ैदुन हामिदन, ज़ैद ने हामिद किया, इसका मजहूल बना। सही है, आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट मफूल और ज़ैद फाइल है और ये फेले मारूफ। आपने पहला काम ये करना है कि जो मफूल है उसको फाइल का स्टेटस दे देना है। इंग्लिश में भी ये किया था ना, ऐसे ही किया था, ठीक है। स्टेटस क्या होता है अरबी में? फाइल का इराब क्या है? रफा। तो मफूल को किसका इराब दे देंगे? रफा। फाइल का इराब, फाइल का इराब क्या होता है? रफा। तो मफूल पे क्या इराब आ जाएगा? समझ गए, ठीक है जी। तो हामिद को आपने लिखा और आपने इसको स्टेटस दे दिया फाइल का, और स्टेटस अरबी में एराब को बोलते हैं। समझ गए। अब जैद तो फाइल है, मजबूर में फाइल मजकूर होता है, तो ये तो मजकूर ही नहीं होगा ना, इसका तो देखा ही नहीं आएगा मजबूर में। ऐसे ही देखे जी, हामिद की मदद की गई, जैद का जिक्र है, हामिद वाज हेल्प, जैद का जिक्र है तो फिर यहां भी जैद का जिक्र नहीं आएगा। अब रह गया फेल, उसकी फॉर्म बदलनी है। यही दो स्टेप है ना, पहला स्टेप आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट मफूल को सब्जेक्ट यानी फाइल का स्टेटस दे दिया, और स्टेटस अरबी में क्या होता है? और फाइल का स्टेटस या एराब क्या होता है? रफा। तो आपने मफूल को क्या दे दिया? रफा दे दिया। क्या ये रफा देने से फाइल बनेगा? नहीं, ये बात याद रखिएगा, फाइल नहीं बनेगी। क्या यहां पे ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट का स्टेटस दिया तो ये सब्जेक्ट बन गया था? तो ये भी फाइल नहीं बनेगा।
अब इसको बोलेंगे क्या, अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। फाइल नहीं है, सही है, मफूल ही है, मफूल ही। ये एक ऐसा मफूल है जिसके फाइल का दिक्कत नहीं है, सही है। तो पहला स्टेप समझ में आ गया। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, जो वर्ब है उसकी फॉर्म को चेंज कर देना है। तो जनाब नोट कर लीजिए, फेले माजी जो आप पढ़ रहे हैं उसमें एक डाई नोट कर लें। क्या नोट कर लें? डाई। डाई याद है ना, आपने तीन डाइयां पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ा था? फ़ाला फ़ाइला फ़ाउला, यही पढ़ी थी माजी की डाई। मजहूल की डाई याद कर लें। इंग्लिश में तो बहुत मुश्किल है, पता नहीं कितनी फॉर्म्स होती है, वर्ब कहां से कहां पहुंच जाता है। अरबी में बहुत आसान है मजहूल बनाना। एक डाई है बस, वो है क्या है डाई? जो फेले माजी भी है उसको इस डाई पढ़ा दीजिए, बस मजहूल रेडी। फेल कहां आता है? शुरू में आता है, शुरू में आता है। जब भी तो जुमला फेलिया बनेगा तो क्या बनेगा बोले? नुसरा हामिदुन, हामिद की मदद की गई, बस मजहूल बन गया। मुश्किल है कुछ? क्या दो स्टेप्स है, कौन रिपीट करेगा? जी यानी मफूल को फाइल का स्टेटस दे दे, और स्टेटस क्या होता है? एराब होता है, और फाइल जो है वो रफा में होता है, तो मफूल को आप हालत रफा में ले। सही है जी, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप जो है, ठीक है, जो भी आपका फेल आएगा उसको आप फोइला की डाई पे डाल दे, मजबूर बन। हामिद की मदद की गई। तो अब जरा ये तो इंग्लिश के स्टेप लिखे थे ना, जरा अरबी के भी लिखे हैं। आपने दो स्टेप डाले हैं। नंबर एक मफ़ऊल को फाइल का एराब देना, ठीक है। दूसरा फेल को फोइला के वजन पर लाए। वाज़े हो गया, बस ये दो स्टेप, दैट्स इट। अब इसको बोलेंगे क्या? सही है। वैसे इसका जो नाम है वो बहुत मुश्किल सा है। ये एक ऐसा मफूल है जिसके फाइल का जिक्र नहीं है, तो इसको आसानी के लिए जो नाम दिया गया है ग्रामर की किताबों में वो ये है कि इसको बोलते हैं नाइब उल फाइल। नाइब क्या होता है? हाँ जी, एक कैप्टन होता है, एक नायब कैप्टन होता है, वाइस कैप्टन। सही, जब कैप्टन मौजूद हो तो वाइस कैप्टन की सुनता कोई नहीं सुनता। जब कैप्टन ना हो किसी वजह से तो फिर किसकी सुनी जाती है? तो वैसे ही है, जब फाइल जिक्र हो तो फाइल फाइल है। अब फाइल क्योंकि मौजूद नहीं है और उसकी पोजीशन आपने किसको दे दी है? मफूल को दे दी है ना, तो वो नाइब फाइल है। समझ गए? वो क्या है इस वक्त? फाइल का नाइब है। तो इसको आप फाइल तो बोल नहीं सकते, तो जैद था, सही है जी। तो ये क्या है? ये है नाइबुल फाइल। फाइल मौजूद नहीं है, उसकी जगह ये लेके बैठा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वाइस फाइल, नाइब, नाइबुल। हाँ जी, हाँ जी, आप इसको पहचानेंगे कैसे नाइबुल फाइल? आप पहचानेंगे इसको फेल से। फेल आप देखेंगे मजहूल है तो फौरन ज़हन में आ जाएगा मजहूल, ओके। फाइल का जिक्र नहीं होगा और मफूल को फाइल का स्टेटस मिला होगा और वो नायबुल फ़ाइल कहलाएगा। क्लियर हो गया? वाज़े? कोई सवाल? सही। तो ये आसान से स्टेप्स हैं मजहूल बनाने के, सिर्फ दो स्टेप्स। सही, किसी साथी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। हाँ जी,
इस्तेमाल किया था। हाँ देखिए अभी देखा हमने कितना इस्तेमाल देखा हमने, अभी हमने आयम वारका पढ़ी उसमें है, हदीस वारका पढ़ी उसमें है, काफ़ी काफ़ी इस्तेमाल है इसका, मजहूल का इस्तेमाल काफ़ी जी जी नहीं, इंग्लिश में ऑप्शनल होता है ऐसे ही हमने हमेशा पढ़ा था ऑप्शनल है, लिखे तो भी सही लिखे तो भी सही, लेकिन वो मजहूल ही क्या जिसका फाइल जिक्र कर दिया है, वरना मजहूल बनता क्यों है, इसलिए बनता है ताकि फाइल का जिक्र ना किया जाए, ऐसा ही है। तो इंग्लिश की भी जब आप एडवांस बुक्स पढ़ेंगे उसमें बोलेंगे कि पैसिव जो है ना उसका मकसद है फाइल को जिक्र ना करना, सही है, तो बेहतर है कि ना लाया जाए, सही, वरना फिर मजहूल क्या होगा, मारूफ ही कर दें उसको जब फाइल का जिक्र ही कर दिया, सही जी। ठीक है जनाब, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इंग्लिश में दो शब्द क्या करते हैं, क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्टेटस दे देते हैं और वर्ब की फॉर्म को चेंज कर देते हैं, यही दो तब्दीलियां अरबी में मजहूल बनाते हुए पैसिव बनाते हुए भी करते हैं, क्या करते हैं, जो मफूल है उसको फाइल का स्टेटस दे देंगे, और स्टेटस अरबी में क्या होता है, एराब, और फाइल का स्टेटस या एराब क्या होता है, रफा, तो मफूल को किसका एराब मिलेगा, फाइल का जो है रफा, और दूसरा काम क्या करेंगे, वर्ब की फॉर्म को चेंज कर देंगे, और मजहूल माजी के लिए हमेशा, माजी मजहूल के लिए हमेशा हम वर्ब को फोइला की डाई पर लाते हैं, तो फिर आपका फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज हो जाता है, पैसिव हो जाता है, और ये दो तब्दीलियां आती हैं और मजहूल तैयार होता है, सही। तो अभी तक ये आपने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से आपने जितने भी वर्ब्स पढ़े थे उसको जब आप फोइला की डाई पर डालेंगे तो वो मजहूल बन जाएगा, वाज़ेह हो गया जनाब, जनाब जुमला है बिल्कुल पहले जुमला जैसा, जैद ने हामिद को मारा, ठीक है, जैद ने हामिद को मारा, जी जनाब अरबी क्या होगी जल्दी से बता दीजिए, मारा मारा ज़रबा हामिद, मजबूल बनाना है जरा, सही है जी, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, दो स्टेप है बस, पहला स्टेप क्या जरा, मफूल कौन है, हाँ भाई ठीक है मफूल है, इसको क्या करें, ठीक है फाइल का स्टेटस क्या है, रफा, तो हामिद को क्या स्टेटस मिला, रफा, ठीक है जी, दूसरा स्टेप फाइल जो फेल है, फोइला की डाई पे डाल दे, फोइला के वजन पे डाल दे, तो क्या बन जाएगा, हामिद, हामिद को मारा गया, हामिद को मारा, वाज़े हो गया जी, अच्छा अब ये जो जैद है ना इसकी जगह लाएं
मैंने हामिद को मारा, सही है, जैद की जगह मैं आ गया, नमीर आ गया। हाँ जी, जुमला फेलिया क्या बनेगा, हाथ उड़ा के बताइए। हाँ जी बताइए, कौन बता रहा है, बोलिए। ज़रब तू, अब यहाँ पे जो फाइल है वो ज़मीर है, तो गर्दान का रुख किया, तेरवा सीगा लेके आ गया, क्या बना, ज़रब तू हामिद, मैंने हामिद को मजहूल बना इसका। कौन बनाएगा, बिल्कुल वही स्टेप्स है, कुछ चेंज नहीं, तब्दीली नहीं हुई जुमले में। अच्छा, ये कंफ्यूजन आपकी दूर करते हैं। यहाँ पे फाइल कौन है, जैद, जाहिर है। यहाँ पे फाइल कौन है, आना, इसके अंदर, इसके अंदर है, सही है जी, जमीर के तौर पे है ना भाई, तो फाइल मौजूद है, कोई मसला नहीं है। हाँ जी कमरान, क्या करेंगे पहला स्टेप, यहाँ पे पैसिव के अंदर जी जो फाइल होता है वो तो मेंशन ही नहीं होता। ठीक है, फाइल तो मेंशन ही नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। पहला स्टेप होगा मफूल को फाइल का स्टेटस दे देना, स्टेटस जो फाइल का है वो क्या है, हालत रफा, अना जो है रफा वाली जमीर है ना, तो क्या हो जाएगा, हामिद, हामिद कौन कह रहा है, ठीक है जी। और फेल का जो वो है वो, हाँ जी, दोरेबा, दोरेबा, बिल्कुल, क्योंकि जो फेल आएगा वो तो नायबुल फाइल के हिसाब से आएगा ना, वो वाइन का सीगा है, वो दोरेबा, सही हो गया, क्लियर है। जो फाइल, जो फेल है वो फाइल के हिसाब से आता है ना, सही है। अब यहाँ नायबुल फाइल हो गया है, क्लियर, और नायबुल फाइल वाहिद मुजक्कर है तो पहला सीगा आएगा, वाज़े, क्लियर। वापस आए, यहाँ पे था दौराबा ज़ैदुन हामिदन, सही है, काम ने लिखा हामिद। अब ये जो फेल का सीगा आना है ये हामिद के हिसाब से आना है, जैद के हिसाब से आना है, बोले हामिद के हिसाब से आना है, जैद का तो जिक्र ही नहीं है, सही है, जैद का जिक्र नहीं है मजबूर, सही है जी। तो हामिद जो नाइबुल फाइल है उसके हिसाब से इसका सीगा है, सही है जी, हामिद वाहिद मुज़क्कर था, पहला सीगा लिया, वाज़े। अब यहां पे आए, फाइल जो भी हो जब मजहूल बनाएंगे तो जो फेल का सीगा है वो किसके हिसाब से आएगा, किसके हिसाब से आएगा जो भाई, और नायबुल फाइल फिर वाहिद मुज़क्कर है तो पहला सीगा आएगा, वाज़े हो गया जी, नायबुल फाइल के हिसाब से आएगा, पॉइंट ये बताना मकसद, सही। अगर यहां पे हामिद की जगह मरियम होता कोई एक फीमेल नाम, तो फिर क्या करते, ठीक है जी, तो मरियम मफूल थी, उसको फाइल का स्टेटस मिल जाता, मरियम हो जाता, तो क्या आप सीगा पहला आ सकता था, अब कौन सा सीगा आता, चौथा सीगा, तो इसका मतलब है मजहूल की भी गर्दान है, जैसे सब फेलों की गर्दान है, तो जरा मजहूल की गर्दान तो लिखिए मेरे साथ, पहला सीगा क्या बनाया आपने, दोरेबा, दूसरा क्या बनेगा, हाँ जी, हाँ जी, बोले बोले जल्दी जल्दी, दोरेबत, दोरेबता, दोरेबना, सही है, बाकी आप कर लेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे चल रही है, वजन चेंज किया सिर्फ आपने, बुक में भी मौजूद है जो आपको बुक दी गई उसमें गजा लिखी हुई, सही है जी। तो आपको पता चला नायबुल फाइल मोनस हो गया है, नायबुल फाइल मोनस है, और जाहिर तो है ही, हामिद भी जाहिर है, मरियम भी जाहिर है, दोनों ठीक है, तो पहला चौथा सीगे में आना सर, लेकिन मोनस हो गया तो कौन सा सीगा आएगा, चौथा सीगा आएगा, तो क्या बन जाएगा, दूरी बत मरियम को मारा गया, सही है जी। जैसे कि इसमें जो है ना, मैंने हामिद को मारा, मैंने हामिद को और जैद को मारा, यानी एक से दो को, तो इसका किस तरीके से,
आप बताएं जब फाइल जाहिर हो तो कौन कौन सा सीगा आता है? पहला ही चौथा। सही है, तो अब आप दो लाएं दस लाएं कोई मसला नहीं है, पहला चौथे में से आएगा। मुज़क्कर हो तो पहला, मुअन्नस हो तो चौथा। वाज़े? सही है जी। यहां तक पॉइंट समझ में आ गया कि आपको पता ये चला कि जो मजहूल का सीगा है वो नायबुल फाइल के हिसाब से आएगा। क्लियर? अच्छा जी, अब आइए एक जुमला और लिखते हैं। जैद दाखिल हुआ। हाँ जी, क्या अरबी बनेगी इसकी? जैद जाहिर है ना फाइल, तो पहला चौथे सीगे में से आएगा। कौन सा आएगा? दाखला। हाँ जी, कौन बनाएगा इसका? आसिफ बनाएंगे मजहूल। हाँ जी, जैद दाखिल हुआ, हम तो मारूफ की बात कर रहे हैं ना। जैद दाखिल हुआ, फाइल कौन है? फाइल कौन है आसिफ भाई? जैद। उसका जिक्र है इस जुमले में, उसका जिक्र है तो मारूफ है ना, मजहूल थोड़ी। आप उसको दुखिला कैसे कर रहे हैं? अब बनाए इसका मजहूल, बना सकते हैं? नहीं बना सकते। कोई बना सकता है? माशाल्लाह, एक्सीलेंट। देखें जी, मजहूल बनाने के स्टेप्स क्या हैं? तो बताएं, पहला स्टेप क्या है? मफूल को फाइल का, जब मफूल ही ना हो तो फिर कैसे बनेगा? पहला स्टेप ही मिसिंग है ना, पहला स्टेप ही मिसिंग है। मफूल का जिक्र ही नहीं है, मफूल है ही नहीं, इस फेल का मफूल नहीं आता। सही, इस फेल का मफूल नहीं आता, तो फिर पैसिव कैसे बनाएंगे? उसका मजहूल नहीं बन सकता। तो इसका मतलब यह हुआ, जो आपने पढ़ा था वो फेल जिसका मफूल ना आता उसको क्या कहते हैं? फेले बोले जी, लाजिम। माशाल्लाह, तो फेले माजी, फेले लाजिम जो है उसका मजहूल नहीं होता। मजहूल सिर्फ फेले मुतअद्दी का ही बनेगा। फेले मुतअद्दी क्या होता है? जिसको मफूल, फेले मुतअद्दी वो काम होता है जिसका असर फाइल के अलावा मफूल पर भी होता है। सही है जी। तो ये बात याद रख ले हमेशा कि मजहूल हमेशा फेले मुतअद्दी का बनता है, फेले लाजिम का नहीं बनता, क्योंकि मफूल ही नहीं है तो आप फिर फाइल का स्टेटस किसको देंगे? मजहूल नहीं। वाज़े हो गया जी सबको ये पॉइंट भी? इंसान को पैदा करें, ठीक है जी। इसका अरबी क्या बनेगी? बहुत आसान है, बताइए जी। खलकल्लाहु अल-इंसान, खलकल्लाहु अल-इंसान। अगर हम इसका मजहूल बनाना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप क्या होगा जी? हाथ उठा के कोई और बताए।
बहुत आसान है, दो ही तो स्टेप है जी। तो अल इंसानू जो है उसको हम फाइल का एराब अल इंसानू हो जाएगा, और जो फेल है उसकी डाई क्या हो जाएगी? इंसान, इंसान को पैदा किया गया, इंसान को वाज़े हो गया जी मशहूर। लड़की ने पानी पिया जी ना, कौन बनाएगा अभी? जी सर, शरीबत बिंत सलमान। शरीबत देखिए जी, लड़की जो है फाइल है, जाहिर है सही है जी, तो चौथा सीगा है शरीबत, और अल बिंतु फाइल हो गया, और मिला के पढ़ने के लिए क्या करेंगे? शरीबतिल बिंतु अलमा आ मफूल। सही है, मजहूल बनाना है जनाब इसका। हाँ जी, कोई और बनाए जी अब्दुल बासित। बहुत आसान है, फाइल को मफूल को फाइल का स्टेटस दें और सीगा चेंज करें, बस सिंपल। हाँ जी, हाँ चले अब पहले ये काम कर लें दूसरा वाला। हाँ जी, अलामत है कोई? हाँ जी, कौन सा मज़ा? हाँ जी, देखिए जी वो जो अलामत है ना मौनस की, जरा उसको समझ लीजिए, वो ये है तो जरूर ये है, सही बोला आपने, सही जी, जो अलिफ तानीस है उसमें ये एक अलामत है मौनस की, लेकिन ये जो आया है ये इस अल की वजह से आया, वरना ये क्या था? माउन था, ऐसा ही था, माउन था ना। अलामत ये है, अगर दो पेश हो तो वो अलामत नहीं है। ये दो पेश क्यों हटे? सिर्फ मौर्रब बिल लाम की वजह से हटे, तो ये वो अलामत नहीं है। सही, उसके आपने मिसालें पढ़ी हैं, जैसे आपने रंगों में पढ़ा था सफराऊ, ये मौनस है, यहाँ अल तो नहीं है ना, फिर भी उस पर तनकीन नहीं, ये मौनस कहला, ये मौनस कहला नहीं, क्योंकि अल की वजह से आया, वरना माउन था, माउन था ना, सबको मालूम, ठीक है, तो मुज़क्कर है मौनस है, मुज़क्कर है, तो अब उसके हिसाब से सीरा लगेगा, शुरीबा, वाज़े हो गया जी, वही पॉइंट है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। जो भी कॉन्टेक्स्ट हो आपको नायबुल फाइल के हिसाब से ही फेल का सीगा लाना, बस ये ज़हन में रखना। तो मालूम करना है उसके पहले कुछ तो रहेगा ना, क्या मालूम करना? पानी किया रहेगा। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, वो क्या है? जी जी, वो एक बिल्कुल जैसे इशारा आपको पता है। जी जी बिल्कुल, उसके पहले पता है तो मौनस का लेगा, तो कैरेक्टर मौनस का लेगा वो। हाँ, इसमें मौनस का है क्योंकि वहाँ पे फाइल मरियम मोनस था ना,
वहां क्या था, मैंने मरियम की मदद की, फॉर एग्जाम्पल, सही है। तो मफूल जो है वो मरियम था, सही है। यहाँ मफूल क्या है? अभी एक जुमला और देखें आपको पॉइंट, सही है। ये दोनों एक ही बातें जो हमने की थी, असल में जो नायबुल फाइल है ना, जो मफूल था वो नायबुल फाइल बना, उसके हिसाब से सीगा आएगा। वहां मरियम का नायबुल फाइल तो चौथा सीगा आया था, यहाँ पे अल माऊ है जो मुजक्कर है तो पहला सीगा आया। वाज़े कोई कंफ्यूजन? एक मिनट रुके, कॉन्सेंट्रेट कर, इस बात को जहन से निकालने की कंफ्यूजन है। देखें जी, मुसलमान, एक मुस्लिम ने गाय को ज़िबा किया, हाँ जी बताइए जी, मारूफ जल्दी जी बताएं जी, काम किसने ज़िबा किया? मुसलमान ने, मुज़क्कर है मौलाना से, हाँ जी हाँ, पैसिव क्यों बना रहे पहले, एक्टिव तो बना, रबाहा अल मुस्लिमु अल बकराता, सही है। अब अगर मारूफ भी आप सही नहीं बनाएंगे तो फिर मसला हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब फाइल जो है वो मुजक्कर है तो आप पहला सीगा लाए थे, क्लियर। अच्छा, अब आपको मजहूल बनाना है, मजहूल के स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो पॉइंट क्लियर होगा। जो मफूल है उसको किस क्या स्टेटस देंगे, तो अल बकरा जो है उस पर क्या इराब आ जाएगा, वाज़े हो गया। अब अल बकरा तू जो है वो नायबुल फाइल हो गया, ठीक है। अल बकरा तू मुज़क्कर है मुअन्नस है, पहला सीगा आएगा चौथा। आसिफ भाई क्लियर हुआ आपको पॉइंट? आपको भी क्लियर हुआ चौथा सीगा क्यों ला रहे हैं? क्योंकि जो नायबुल फाइल है, जो मफूल था, जो नायबुल फाइल बना वो मुअन्नस हो गया, तो क्या होगा, ज़ुबिहत, जी सही है जी। गाय नायबुल फाइल, नायबुल फाइल सही है, मौनस है गाय, तो जो भी है, तो मिलाने के लिए जो भी है, तिल बकारा तू, यहाँ पे आए दोबारा, नायबुल फाइल अल माऊ, मुजक्कर था मौनस, मुजक्कर, तो पहला सीगा आया, मरियमू जब आया था नायबुल फाइल में तो मुजक्कर था मौनस, तो चौथा सीगा आया। अब क्लियर हो गया, ये शुरीबल माऊ, इसके पानी पिया गया, पानी पिया गया, किसने पिया, आप ये बात कर रहे, किसने पिया ये पूछ रहे, तो उसका तो जिक्र नहीं करना ना मजहूल में, अगर फाइल का जिक्र कर देंगे तो फिर मजहूल कैसे बने। पानी पिया गया, उसकी मदद की गई, उसको मारा गया, दरवाजा खोला गया, गाय को ज़िबा किया गया, क्या अभी भी कंफ्यूजन है? कौन फीमेल है किधर, ये बिंत। देखें अब आप जो है ना, पहले मारूफ को क्लियर करें, शरीबत फेल, अल बिंतु फाइल, फाइल मोनस है तो चौथा सीगा लाना पड़ेगा, सही है। और आगे अल मा मफूल, क्लियर हो गया, सही। तो बिंत को अगर हम निकाल देंगे तो फिर आप सीखेंगे कैसे, सही है। बिंत जो है मोनस है तो इसीलिए चौथा सीगा आया, क्लियर, क्योंकि सीगा किसके हिसाब से आता है, फाइल के हिसाब से आता है ना। जब मजहूल बनेगा तो फाइल का स्टेटस किसको मिला है और वो क्या कहलाया है, नायबुल फाइल, तो अब सीगा किसके हिसाब से आएगा, पॉइंट क्लियर हो गया सबको। किसको पिया गया, पानी, पानी मुज़क्कर है मौनस है, मुज़क्कर है, ओनली मुज़क्कर, इट्स नॉट एड्रेस टू बोथ। पानी क्या है, मुज़क्कर है तो ये मुज़क्कर ही है। बकरा क्या है, इसीलिए ये मौनस आया। मरियम जो थी वो मुज़क्कर थी, मौनस,
इसीलिए सीगा चौथा लेके आया। वाज इट क्लियर? इट्स नॉट एड्रेस्ड टू बोथ। क्लियर? हाँ जी सही आसिफ भाई। जब फाइल का जिक्र ही नहीं है तो नाइबल फाइल के हिसाब से सीगा आएगा। दिस इज द पॉइंट। वाज इट फताहा, तर्जुमा करें मेरे साथ साथ, उसने खोला। फताहल्लाहु, अल्लाह ने खोला। अब वाबल जन्नत, जन्नत के दरवाजे। फताहल्लाहु अब वाबल जन्नत, अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोले। अच्छा अब ये जुमला फेलिया मारूफ है, फतहा फेल है, अल्लाहु फाइल है, अबवाबा मुदाफ है, जन्ना मुदाफ इलै है, और मुदाफ मुदाफ इलै मिलके मफूल है, और मफूल का पता आपको मुदाफ की नसब से चलता है। अबवाबुल जन्ना से क्या हो गया? अबवाबल जन्ना। ठीक है जी। अब मजहूल बनाना है, बहुत आसान है जी। अब्दुल वासित, फाइल का एराब दे। ठीक है बताइए क्या हो जाएगा? अब वागुल माशाल्लाह जन्नत। सही थी। तो आपने क्या किया? आपने मफूल को फाइल का एराब दिया, यानी उसको हालत रफा में लेके आ गए। सही है जी। अच्छा अब आपको सीना लाना है। दाई क्या है? दाई क्या है? फोइला। तो क्या बनेगा? फोतिहा। अच्छा अब आपने फैसला ये करना है, नायबुल फाइल जाहिर है ना, तो पहला चौथे में से ही सीगा आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। सही। अब फैसला ये करना है, पहला आएगा या चौथा आएगा, फोतिहा आएगा या फोतिहत आएगा। हाँ जी, किस वजह से? माशाल्लाह एक्सेलेंट। सही है जी। अबवाब जो है वो गैर आकिल की जमा है। सही है जी, ऐसा ही है। और गैर आकिल की जमा के लिए आप कौन सा सीगा लाते हैं? वाहिद मोनस का सीगा लाते हैं। अभी होता है, ठीक है, ओके, ठीक है जी। तो आया फोतिहत। ये फोतिहत किसकी वजह से आया? ये फोतिहत इस जन्ना की वजह से आया कि ता मरबूता जो है इस पे? किसका ख्याल है कि इस ता मरबूता की वजह से आया? किसका ख्याल है? देखिए जी, मुदाफ मुदाफ इलैह जब मुरक्कब इजाफी आता है तो उसमें मेन चीज, जो मेन चीज है मुदाफ है, सारी चीजें एराब की उसी से चली। सही। तो बाबुन मुजक्कर है, अबवाब भी मुजक्कर है उसकी जमा। तो चौथा सिगा क्यों लाए मुअन्नस का? इसलिए क्योंकि ये जमा है गैर आकिल, और जब जमा आती है गैर आकिल की, मुजक्कर हो या मुअन्नस, उसके लिए हम वाहिद मोहनस का सीगा लेके आते हैं। इसलिए आया है, ये इस जन्नत की वजह से नहीं आया, क्योंकि असल चीज क्या है? किनको खोला गया बताएं जी? दरवाजों को खोला गया। जन्नत का जिक्र ज़िमनन है, असल में किसको खोला गया? दरवाजों। वाज़े हो गया जी? क्लियर। तो जब मैं हदीस मुबारक पढ़ी थी उसके अल्फाज यही थे। क्या थे जी हमने पढ़े था? इदा जा रमदानु फुतिहत अबवाबुल जन्नत। जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजों को खोल दिया।
सही है। इसी तरह आपने जो आयत मुबारक पढ़ी थी या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, सही है जी। तो अगर हम मारूफ जुमला बनाना चाहें तो बनेगा कतबल्लाहु अलैकुमुस्सियाम, अल्लाह ने तुम पर रोजों को फर्ज कर दिया, ये मारूफ हो गया। अब मजहूल करेंगे तो क्या होगा, बनाते नहीं। ठीक है, अब जो अस्सियामा जो मफूल है उसको आप हालत रफा में लेके आ जाएंगे, सही है जी। फाइल का एराब जो है हालत रफा है तो उसको रफा में जाएगी अस्सियामा, सही। अलैकुम अलैकुम ही रहेगा, मुरक्कब जारी है, ठीक है। हाँ जी, क्या सीना आ जाएगा, कुतिबा अलैकुम अस्सियामा। आपको बताएं ये जो हमने पढ़ा था सिला, पढ़ा था ना सिला, सही। तो कुतिबा अलैकुम जब साथ आएगा ना तो फर्ज करने के लिए प्रपोजिशन पढ़ी थी ना, कि फेल जो है उसका माना क्यों जो होता है उसके साथ डिफरेंट प्रपोजिशन जो होती है। तो कतबा अलैकुम आएगा तो यानी तुम पर लिख दिया गया, यानी तुम पर वाज़ह, बिल्कुल सही जी। जना उसने अल्लाह का जिक्र किया, मारूफ जुमला है, क्या भी बनेगी जना, उसने जिक्र किया रकारा, जो फाइल है वो जमीर है, उसने जिक्र किया ना, तो पहला सिगा आ गया, आपने गर्दान का रुख किया और पहला सिगा मिल गया रकारल्लाह, उसने अल्लाह का जिक्र किया। मजहूल बनाने में अल्लाह का जिक्र किया गया जी जना, ذکر اللہ کیونکہ مفعول ہے نا، مفعول تو حالت نصب میں آتا ہے۔ ہاں جی، اب مجھول بنا جی، حالت رفع ذکر، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا گیا۔ سورۃ الانفال کی دوسری آیت مبارکہ ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، इन्नमा पढ़ चुके हैं, इन्नमा क्या है, कलमतुल हसर, अल मुमिनूना, मोमिन तो वही है, यानी मोमिन तो वही है जो वो लोग हैं जिनके सामने जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, रुके रहो अल्लाह का जिक्र किया जाता है, ठीक है जी। उसने कुरान पढ़ा, बिल्कुल ऐसे अगर बनाए قرآن قرآن، اس نے قرآن پڑھا، قرآن قرآن پڑھا گیا، قرآن قرآن، سیدی قرآن قرآن، وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے، اب مجھول آ رہا ہے قرآن القرآن، جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوْلَا، اس کو سنو، وَأَنْسِتُوْا اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید تم پر یا تاکہ تم پر رحم، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، ترحمون، ابھی تو ترحمون ہے نا، یہ بھی مجھول ہے لیکن یہ مضارع ہے، مضارع نہیں پڑا ہے، یہ بھی مجھول ہے، صحیح،
सही है, ताकि तुम पर, ताकि तुम रहम किए जाओ, मजहूल है फाइल का जिक्र। ठीक है जी, वाज़े तो इसका इस्तेमाल काफी है, आपने ख्याल से देखना है कि मजहूल का सीगा कहां पर आया है। हाँ जी, कोई सवाल किसी साथी का? बेसिक आइडिया वही है, मजहूल बनाना होगा तो क्या करेंगे, फाइल जो है उसको रफा में, जो मफूल था उसको नायबुल फाइल बनाएंगे, रफा दे देंगे, और जो सीगा है उसको फोइला की डाई पर डाल देंगे, और सीगा आएगा फिर नायबुल फाइल के हिसाब से। ठीक है जी, खलका क्या क्या तर्जुमा करेंगे, उसने पैदा किया, इसका मजहूल क्या बनेगा, खोलेगा, वो पैदा किया गया, खोलेकत, ये 14 सीगा होगा, सही, खोलेकत ये 14 सीगा होगा, खोलेका, खोलेका, खोलेको, खोलेकत। افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, क्या वो नहीं देखते ऊंटों की तरफ कि वो कैसे पैदा किए गए, कि वो कैसे पैदा किए गए। चौथा सीगा क्यों है, मोनस क्यों है, गैर अकल की जमा, इबल गैर अकल की जमा, सही है जी। व الى السماء كيف रफा, उसने बुलंद किया, रुफिया, वो बुलंद किया गया, रुफियत, व इलस्समाई कैफा रुफियत, और आसमान की तरफ से वो कैसे बुलंद किया गया। चौथा सीगा क्यों आएगा, आसमान मौना से सिमाई है, सही है जी। वाइलल जिबाल कैफा, नसबा, उसने गाड़ा जमीन में, नोसेबा, और चौथा सीगा क्या बनेगा, नुसी, और पहाड़ों की तरफ से वो जमीन में कैसे, व इलल अर्ض कैफा सुतिहा, सताहा, उसने फैलाया, सुतिहा, और चौथा सीगा क्या बनेगा, और जमीन की तरफ के वो कैसे फैलाई गई। अच्छा, पहाड़ों के साथ मुसीबत चौदह सीगा क्यों आया था, गैर अकल की जमा, अल जिबाल, व इलल जिबाली कैफा नुसीबत, और जमीन के साथ क्यों आया, व इलल अर्दी कैफा सुतिहत, अर्द जो है मुअन्नस से समाई, सब मुअन्नस के सीगा है, सही, सब में चौथा सीगा है, और वजह क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह ने की। ठीक है जी, तो ये मजहूल है, क्लियर। और किसी साथी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, ये भी जो है वो जी जनाब, तो मजहूल का टॉपिक जो उसको रिवाइज करके आइएगा, छोटे छोटे मजहूल के एक दो टॉपिक रह गए,
90% अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसूर का टॉपिक कवर हो गया, उसको करेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। आपका होमवर्क जो है वो बुक में है, बुक में बुक है किसी के पास? तो ये नंबर 102 पर आपके पास एक्सरसाइज है, उसमें आपको मारूफ जुमले दिए गए 10, उनको मजहूल बनाना और फिर उर्दू से भी मजहूल डायरेक्ट बनाने की प्रैक्टिस है। तो इसको जरूर इंशाल्लाह अटेम्प्ट करिएगा। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम आगे।